सो हेलो एवरीवन, महाराष्ट्र बोर्ड का 8 स्टैंडर्ड का साइंस का यूनिट टेस्ट का सॉल्यूशन आ चुका है। सॉल्यूशन इतना शॉर्टकट तरीके से लिखा है ना कि आप देखोगे वीडियो को याद हो जाएगा आपको, ठीक है। प्लीज एक काम करना, आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। पहले से सब्सक्राइबर बहुत कम है, कंटेंट बहुत अच्छा बनने वाला, आगे भी आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज फिलिंग द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन पूछा है बटर मिल्क और कर्ड कंटेंट डॉट डॉट माइक्रोब। बटर मिल्क और कर्ड में कौन सा माइक्रोब होता है? लैक्टोबैसिलस, इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। फिर है द एयर प्रेशर ऑन आर बॉडी इज इक्वल टू डॉट डॉट प्रेशर। हमारे बॉडी पे जो एयर प्रेशर होता है किसके बराबर होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर हमारे पे एटमोस्फेयर एग्जर्ट करता है, वही हमारे ऊपर क्या होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर वन का बी फंगाई का हो जाएगा, कैंडिडा प्रोटोजोआ का हो जाएगा, अमीबा वायरस का हो जाएगा, बैक्टेरियोफेज और अलगाई का हो जाएगा क्लोरेला, ठीक है। तो ये इनमें से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दे दिया, डायरेक्ट सामने सामने आंसर दे के रखे, ठीक है। थोड़ा हम बात करते हैं कैंडिडा के बारे में। कैंडिडा एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और वो ईस्ट से हमारे इंसानों पे होता है, ठीक है ना। दूसरा है बैक्टेरियोफेज। बैक्टेरियोफेज का मतलब होता है, बैक्टेरियोफेज एक तरीके का वायरस है जो क्या करता है, सिर्फ बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। वो एनिमल के लिए इंसानों के लिए हार्मलेस है, ठीक है ना। इस तरीके से वो क्या करता है यहाँ पे, तो ये बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने को काम करता है। और कैंडिडा एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये आपको आंसर मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन ऑफ फंगाई। फंगाई क्या कहती है? फंगाई होती है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या करती है? किसी भी डेड एनिमल को क्या करती है, डिकम्पोज करने का काम करती है, उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज सैप्रोट्रॉपिक एंड दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, ठीक है। सैप्रोट्रॉपिक मतलब क्या करता है, खाना एब्जॉर्ब करता है मरे हुए एनिमल से। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इस तरीके से ये देखो फंगस है, सब प्लांट के ऊपर ग्रो कर रही है, प्लांट के अंदर का न्यूट्रिशन क्या कर लेगी, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बहुत शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छे से प्यारा सा आंसर यहाँ पे आपको मिल चुका है। विच आर कॉजेज द डायबिटीज एंड हार्ट अटैक। डायबिटीज एंड हार्ट अटैक किसके वजह से होते हैं, उसके पीछे रीजन देखो। रीजन ऑफ डायबिटीज क्या है? ओबेसिटी, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते जगह पे बैठे रहते हो, मेंटल स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट एंड हेरिडिटी। एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से स्मार्ट वर्क करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेंटल स्ट्रेस वगैरह नहीं रखना है और डेली क्या करते रहना, एक्सरसाइज करते रहना, तो डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। रीजन ऑफ द हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज किसके वजह से होते हैं? ओब्वियसली स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, वही सारी बातें सेम ही, एंजाइटी और इम्प्रॉपर डाइट। अच्छे से खाना नहीं खाना, सही तरीके से खाना नहीं खाना, बाहर का खाना, इम्प्रॉपर डाइट, ठीक है, उससे आपको हार्ट डिसीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू। फ्रूट कैन इजिली कट विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ। आपको पता है शार्प नाइफ अगर यूज करोगे तो आप किसी भी फ्रूट्स को इजीली कट कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो भी शार्प नाइफ पे उसका शार्प करने से वजह से एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना कम एरिया उतना ज्यादा क्या अप्लाई कर सकते हो, आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रेशर का फॉर्मूला लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया। आप देख सकते हो कि एरिया जितना कम होगा उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है ना। शार्प नाइफ कैन एग्जैक्ट लार्ज प्रेशर कंपेयर टू द ब्लंट नाइफ फॉर सेम फोर्स। अगर फोर्स सेम लगा रहे हो और आप शार्प नाइफ यूज कर रहे हो तो आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ, ठीक है ना। फ्रूट कैन इजीली कट विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ। तो ये बहुत इजी सॉल्यूशन हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर टू का ए का टू है यहाँ पे, क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, सही तरीके से खाना खाना, सही समय पे खाना खाना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? रिड्यूस बॉडी फैट, आपका बॉडी फैट कम हो सकता है, कम हो जाएगा। प्रोवाइड बॉडी विथ एनर्जी, आप एक एनर्जी से फील करोगे, एनर्जी फील करोगे। हेल्प अस द स्टे फिट एंड फ्री फ्रॉम डिसीज, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। आप अच्छा डाइट खा रहे हो तो आपको अच्छे तरीके से क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, जो भी आपके बॉडी के लिए जरूरत होती है, मिनरल्स वगैरह, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर टू का ए का थर्ड वाला क्या लिखा, अरेंज द फॉलोइंग इन द साइज। ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन रहता है साइज में? वायरसेस, फिर बैक्टीरिया, फिर फंगा, फिर क्या होता है? अलगाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है? हु आई एम, पहचानो कौन है, मैं कौन पहचान। आई कैन प्रोड्यूस माई रिप्लिका, मतलब सेम टाइप के बनाते रहते हो, सेम टाइप के मतलब कॉपी पेस्ट। तो वायरस क्या करते हैं, एक वायरस से दूसरे वायरस, दूसरा वायरस से और वायरस, वायरस वायरस, रिप्लिका रिप्लिका बनते रहता है, ठीक है ना। आर रिप्रोड्यूस बाय द सिंपल बाइनरी फिजन। अमीबा क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें अमीबा क्या करता है, दो हिस्सों में टूट जाता है और दो डॉटर न्यूक्लाई, दो डॉटर अमीबा बन जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से होता है अमीबा का सिंपल बाइनरी फिजन होता है। दिस इज स्प्रेड बाय द एडेस एगियापति। ये एडेस एगियापति जो मॉस्क्यूटो है, ये कौन सा डिसीज कॉज करता है, फैलाता है, वेक्टर का काम करता है, डेंगू, ठीक है ना। तो याद रखना आपको। आंसर इन द शॉर्ट,
स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट टू नेम एंड इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी फ्लूड में अगर आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हो तो सॉलिड ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उस फ्लूड के अंदर उतना फ्लूड क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो जो फ्लूड बाहर गिरेगा उसका अगर आप वेट करोगे तो वही हमारा किसके बराबर होगा, बायोट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूड में डालते हैं तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं बायोट फोर्स, और वो किसके बराबर होता है, बाहर निकले हुए फ्लूड के वेट के बराबर होता है, बाहर निकले हुए फ्लूड के वेट के बराबर होता है। तो क्या बोलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स इन फ्लूड फोर्स ऑफ बायोसी एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर बायोसी फोर्स लगता है। अभी वो बायोसी फोर्स कितना होता है, इन द अपर डायरेक्शन, कहां पे लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। दिस फोर्स इज इक्वल्स टू, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, टू द वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट ने अंदर जाने के बाद कितना फ्लूड बाहर निकाला उसके वजन के बराबर। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट सच एज लैक्टोमीटर हाइग्रोमीटर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है इस प्रिंसिपल के बेस पर बनाए गए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ओके ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपको फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। नाइन्थ में भी सेम क्वेश्चन पूछा था और एट स्टैंडर्ड में भी अभी आपको सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक होते हैं, नॉट वेल न्यूक्लियस डेवलप, जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, यूकैरियोटिक जिसके अंदर न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, मोनेरा, तो यहाँ पे आपको मोनेरा लिखना है, यूनिसेल्युलर आप यहाँ से ड्रॉप कर लेना। ठीक है ना, यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर में यहाँ पे फंगाई दिया हुआ है, आपको यहाँ पे प्लांटे लिखना था। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट, विच सेल कैन रिचार्ज, कौन से सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, इन विच इक्विपमेंट दिस सेल आर यूज, और वो सेल कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, ऑब्वियसली लीड से एसिड सेल है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट, इनका कैपेसिटी होता है ज्यादा से ज्यादा करंट कैरी करने का। ठीक है ना, इस तरीके का दिखता आप देख सकते हो यहाँ पे, हैंस लीड एसिड सेल्स आर यूज इन, किसमें यूज करते हैं, बड़े बड़े व्हीकल को चलाने के लिए, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल्स एंड ओके और यूपीएस। ठीक है ना, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, लीड स्टोरेज से जो रिचार्जेबल है। ठीक है, ओके, सिंपल इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज कॉल्ड सिंपल इलेक्ट्रिक सेल, जिसको आप ड्राई सेल भी बोलते हो, ये सिंपल इलेक्ट्रिक सेल होता है। बीच में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो ग्राफाइट का बना हुआ है, एंड में क्या होता है, जिंक कवर होता है, यहाँ पे जिंक कवर जो निगेटिव टर्मिनल होता है इसका। फिर बीच में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो करंट को कैरी करने में हेल्प करते हैं, कटायन और अनायन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है जो केमिकल यहाँ पे एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और डिवाइजर होता है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये आपको पूरा यहाँ पे अच्छे से इस डायग्राम को यहाँ पे बनाना था। पैरामेशियम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे आप दो तीन नाम लिखोगे काम चल जाएगा। एक होता है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या करता है, पैरामेशियम में फूड स्टोर करने का काम करता है। माइक्रो न्यूक्लियस छोटा सा न्यूक्लियस है, और यहाँ पे सीलिया, सीलिया क्या काम करते हैं, मूवमेंट के लिए, पैरामेशियम को आगे पीछे चलने के लिए सीलिया का यूज होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन अभी देखते हैं, आंसर द क्वेश्चन बोल दीजिए। कोलेरा, टाइफाइड और डायरिया विच आर द स्प्रेडिंग मीडिया ऑफ दिस थ्री डिसीज, ये तीनों डिसीज कौन कैसे फैलते हैं, तो ये दोनों तीनों डिसीज फैलते हैं कंटामिनेटेड फूड और पानी से फैलते हैं। ऑल ऑफ देम कॉज बाय द बैक्टीरिया, और ये सारे डिसीज बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। ठीक है, विच सेल इज यूज इन मोटर्स एंड ट्रक्स, मोटर और ट्रक्स में कौन सा सेल होता है, अभी बात किया था लीड एसिड सेल। ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ इनर्शिया, तीन तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमने पूरा, और ये पेपर है एंड में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा पेपर आपको यहाँ पे दे दिया मैंने। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट, सॉरी पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। प्लीज यार सच में, अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर बहुत कम है, और अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट आपके लिए लेके आते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।